नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर CHEN 120 के स्टूडेंटों के लिए गैसेस स्टेट में चार स्लॉक के न्यूमेरिकल्स कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे इस पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। चार स्लॉक हमने पार्ट फाइव में पढ़ा था कि बट आर चार स्लॉक क्या होता है। द लॉ विच इज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, जो हमारे प्रेशर कॉन्स्टेंट पर वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, उस लॉ को हम क्या लॉ कहते हैं, चार्ज लॉ कहते हैं। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर आपका V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है और जब प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा जाता है तो हमारा कौन सा लॉ होता है, चार्ज लॉ को हम अप्लाई करते हैं। तो दैट मीन्स प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप दैट इज एक्सप्लेन बाय द चार्ज लॉ। चार्ज लॉ के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से हम इस पर ग्राफ इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे चार्ज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल जिसके हम जो कि चार्ज लॉ के फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक, इससे पहले पार्ट फाइव में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी और व्हेन टू और मोर गैसेस आर प्रेजेंट एट दिस टाइम फॉर्मूला इज वी1 अपॉन टी1 इज इक्वल टू वी2 अपॉन टी2। और ये कैसे होता है फॉर्मूला पार्ट फाइव में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस फॉर्मूला को ड्राइव करा था। सो नाउ आई डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल अबाउट द चार्ज लॉ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए सैंपल ऑफ ए गैसेस ऑक्यूपाइज 10 डेसीमीटर क्यूब एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। द गैस इज कूल्ड टू -73 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, देखिए कॉमन चीज क्या है इसमें। इसमें क्या है, एट ए सैंपल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 10 डेसीमीटर क्यूब, एक गैस का सैंपल है जिसका वॉल्यूम क्या है, 10 डेसीमीटर क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 लीटर के इक्विवेलेंट हो गया। एट 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना, 127 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। एंड 1 बार प्रेशर, उस समय उसका प्रेशर कितना है, 1 बार है। तो हमें पता चल रखा है इस क्वेश्चन में कि क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है वॉल्यूम, गिवन है आपका क्वेश्चन में कितना है आपका 10 डेसीमीटर क्यूब है। 10 डेसीमीटर क्यूब को क्या कह सकते हो आप, 1 लीटर कहा जा सकता है। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको बोला भी था कि एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में है तो 127 प्लस 273 आप ऐड करेंगे, सो वैट वी गेट द 400 केल्विन टेम्परेचर। हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमने इसको T1 टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया। The gas is cooled to -73 degree Celsius. Gas is cooled to -73 degree Celsius at the same pressure. Pressure same. तो ये clear हो गया कि हमारा इसमें चार्ज लॉ अप्लाइड होगा क्योंकि प्रेशर इज द कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन में प्रेशर कॉन्स्टेंट आपको हिंट दे रखा है तो आप ये समझ गए कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाइड होगा, चार्ज लॉ अप्लाइड होगा, बिकॉज वी नो दैट द सेम प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर कॉन्स्टेंट है। सो एट दिस टाइम द वॉल द टेम्परेचर इज वॉट, टेम्परेचर देखा T2 इज इक्वल टू -73 डिग्री सेल्सियस। -73 डिग्री सेल्सियस तो 273 प्लस -73 डिग्री सेल्सियस, भाई माइनस में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऐड नहीं करेंगे। 273 प्लस -273 डिग्री सेल्सियस आपका ये हो गया आपका 200 केल्विन, ये आपका होगा डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केल्विन। सो बोथ आर कन्वर्टेड इनटू केल्विन एंड द वॉल्यूम इज V1 इज 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वॉल्यूम दे रखा था पहला V1 10 डेसीमीटर क्यूब लिख लिया मैंने, सेम टेम्परेचर देखा था उस समय, टेम्परेचर देखा था 127 तो 273 ऐड करके हमने इसे 400 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें इस लॉ के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। फिर उसके बाद बोला था गैस इज कूल्ड एट -73 डिग्री सेल्सियस तो दैट इज सेकंड टेम्परेचर, तो हमने इसको T2 इंट्रोड्यूस कर दिया। -73 डिग्री सेल्सियस, -73 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा 273 प्लस -73 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 200 केल्विन, हमने इसको सॉल्व करा 200 केल्विन बन गया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम क्या होगा, V2 इज फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें इसमें V2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें अप्लाइड कौन सा होगा, सेम वही फॉर्मूला क्या आपको मैंने बोला था, उसको मैं इरेज कर देती हूँ, इतना मैंने लिख दिया है, इसके बाद मैं इरेज करके बताती हूँ। आपको ये पता चल गया कि V1 और T1, V1 और T1 हमें क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। ठीक, सो नाउ यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज व्हाट, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, V1 आपने आपने देखा V1 कितना था आपका, आपने लिखा V1 कितना था आपका 10 डेसीमीटर क्यूब था, T1 आपने सॉल्व करा था कितना हुआ था आपका 400 हुआ था,
V2 आपको फाइंड आउट करना था और T2 आपका कितना आया था 200 आया था, T2 कितना आया था आपका 200 आया था, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, V2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 400। सॉल्व कर लिया, कट गया 200 से 400 कितने टाइम कटा, 2 टाइम कटा, 2 से 5 कटा, ये हो गया 5। तो आंसर इज 5, आंसर क्या है 5 डेसीमीटर क्यूब यानी कि लीटर पर लीटर। तो हमारा क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा था कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा माइनस टू, हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा गैस को माइनस 73 डिग्री सेल्सियस पर कूल करने के लिए। तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, हमारा कितना आया आंसर 5 डेसीमीटर क्यूब, हमारा कितना आया 5 डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 5 डेसीमीटर क्यूब, इंडिकेट दैट टू कूलिंग द गैस इज माइनस 73 डिग्री सेल्सियस वी नीड द 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम शुड बी नीडेड टू कूलिंग आउट द गैस। हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए होगा गैस को कूल करने के लिए। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करा, चार्ज लॉ को सॉल्व करा और चार्ज लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक न्यूमेरिकल को क्या करा सॉल्व करा, जो इंडिकेट करता है कि ये चार्ज लॉ को फॉलो करता है और इसमें चार्ज लॉ का हमने क्या करा फॉर्मूला अप्लाई करा, इस आधार पर हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करा, ठीक है। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक और है सेम, वो तो चलो सॉल्व था, ये वाला सॉल्व नहीं है। ए बबल ऑफ एयर ट्रैप्ड इन ए पूल ऑफ वाटर हैज वॉल्यूम ऑफ 1.20 सेंटीमीटर क्यूब। बबल ऑफ एयर जो वाटर पूल में जो दिखाई देता है उसका वॉल्यूम कितना है 1.20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब किसकी इक्विवेलेंट होता है, मीटर की इक्विवेलेंट होता है। एट 24 डिग्री सेल्सियस, कितने पर 24 डिग्री सेल्सियस है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, जो गैस हमें इंडिकेट हो रही है उसका वॉल्यूम 1.20 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब है, कब 24 डिग्री सेल्सियस पर। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस, अब इसमें टेम्परेचर फाइंड करना है किसमें सेल्सियस में, ऑफ एयर बबल व्हेन द वॉल्यूम बिकम 1.26 सेंटीमीटर क्यूब, जब उसका वॉल्यूम कितना हो रहा है 1.26 सेंटीमीटर क्यूब ऑब्टेन हो रहा है। सो नाउ तो फर्स्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका, वॉल्यूम इज V1 इज दे रखा है आपका 1.20 सेंटीमीटर क्यूब, 1.20 वॉल्यूम आपका दे रखा है 1.20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। और उस समय टेम्परेचर देता है, टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेल्सियस, 273 है, कर लीजिए ये होगा 297 केल्विन, ठीक। कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर का मतलब हो गया T2, बात समझ में आ गई, कैलकुलेट द टेम्परेचर का मतलब हो गया T2 इन डिग्री सेल्सियस ऑफ एयर बबल विद द व्हेन द वॉल्यूम बिकम 1.26 सेंटीमीटर क्यूब, जब इसका वॉल्यूम कितना होगा 1.26 सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 1.26 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये बात क्लियर है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो दैट इज द चार्ज लॉ, हमें यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है चार्ज लॉ। चार्ज लॉ का फॉर्मूला आपको पता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, फॉर्मूला आपको पता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1.20, T1 आपको आपने निकाल लिया कितना निकला 297, ओके। V2 आपको क्लियर है 1.26, ठीक है। T2 आपको फाइंड करना है, T2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी फाइंड आउट व्हाट T2 इज इक्वल टू 1.20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.26 मल्टीप्लाई बाय 297 डिवाइडेड बाय 1.20, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो हमने क्या फाइंड करा 297 मल्टीप्लाई बाय 1.26 सॉल्व करा, सॉल्व करके देखा ये फाइंड हुआ हमारा 311.8 अप्रॉक्स केल्विन, इतना केल्विन फाइंड आउट हुआ। ये तो हमारा किसमें फाइंड आउट हुआ 311.8 केल्विन फाइंड आउट हुआ, ठीक। और हमें पूछ रखा किसमें डिग्री सेल्सियस में, ये देखिए कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐड करके दे देते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर आया T2 आया, हमारा फाइंड आउट हुआ 311.8 केल्विन। सो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 311. ओरिजिनल टेम्परेचर आपका कितना है 311.8 माइनस 273, इसमें से क्या कर लोगे 273 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें से आपने माइनस कर दिया, माइनस करा तो आपका कितना है 23, ये हो गया आपका 9 और इनमें से 7 गया आपका 1, 2, 3, 11 में से 3 गया, हो गया आपका 9, यहाँ पर 0 हो गया, 10 में से क्या हो गया 3,
ठीक है 39.8 डिग्री सेल्सियस. सो आउट द टेम्परेचर इज 39.8 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 39.8 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट कर रहा है कि 39.8 डिग्री सेल्सियस पर हमें टेम्परेचर चाहिए किस एयर बबल को का वॉल्यूम जिसका कितना होगा 1.26 सेंटीमीटर क्यूब होगा. उस एयर बबल का वॉल्यूम जिसका 1.26 वॉल्यूम है उसका टेम्परेचर कितना होगा 39.8 डिग्री सेल्सियस होगा. और ये इसका क्या होगा आंसर होगा किसमें डिग्री सेल्सियस में. अगर केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन में हमारा क्या आता है 311.8 डिग्री सेल्सियस केल्विन आपका क्या आता आंसर आया था. ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था क्या वॉल्यूम फाइंड आउट करना था. सेकंड क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया इसमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, लेकिन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के बाद उसको किसमें चेंज करना था डिग्री सेल्सियस में. तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए मैंने बता दिया कि केल्विन में से आप डिग्री सेल्सियस को क्या कर दोगे सब्सट्रैक्ट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि आधे आधे नंबर आप लोगों के कहां पर कटते हैं कि आपसे पूछा था आंसर निकालो, आपने आंसर निकाल के 311.8 केल्विन पर छोड़ दिया, लेकिन आपने नोटिस नहीं करा कि इस क्वेश्चन में सेल्सियस में पूछा था तो हमने सेल्सियस में करने के लिए उसमें से क्या कर दिया दूसरे वाले को 297 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. क्योंकि जब क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में सेल्सियस में था तो हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा था 273 ऐड करा था, और उसको दोबारा सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 273 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन और कवर कर रखा है इसमें. दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे, दोनों के में डिफरेंस क्या था मैंने आपको बता दिया. पहले वाले में आपसे वॉल्यूम पूछा था, दूसरे में टेम्परेचर पूछा था वो भी डिग्री सेल्सियस में. ठीक, तीसरा है At 27 degree Celsius, a gas has volume 6 liter. आप ये decimeter क्यों पे नहीं देखी? ये question है आपका liter में दे रखा है, तो आप confused मत होइएगा. Liter में है तो ठीक है, liter में रहने दीजिए. What will be the volume be 150 degree Celsius? इसका volume कितना होगा 150 degree Celsius पर? ठीक, तो temperature आपका पहला दे रखा temperature कितना दे रखा है? यहीं पर solve कर लेते हैं इसका temperature ही T1 कितना दे रखा है? T1 ही 27 डिग्री सेल्सियस. तो 27 है तो आप इसको चेंज कर दीजिए यहीं पर, ये हो गया आपका 300 केल्विन. आपको पता है मैंने डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है केल्विन में, और उस समय उसका वॉल्यूम इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना है 6 मीटर है. ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, आपको व्हाट विल बी द वॉल्यूम का पता हो गया, वॉल्यूम क्यों नहीं आपको गिवन है. जब टेम्परेचर कितना है 150 है, T2 कितना हो गया 150 टेम्परेचर कितना हो गया 150 है तो आपको इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, 150 और 273 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 3 5 12 1 2 3 4 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4 23 4
ठीक है, आप v2 फाइंड करना है, वही सेम बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 423 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 300। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 8.46 लीटर। आंसर कितना आएगा 8.46 लीटर। तो हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा 8.46 लीटर, उसका वॉल्यूम होगा जब उसका टेम्परेचर कितना था 150 डिग्री सेल्सियस था। तो तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको देखा छोटे छोटे से डिफरेंस है, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया। कोशिश करिएगा इन क्वेश्चनों को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ, कुछ आपके पास बुक अवेलेबल है उन बुक को क्वेश्चन देखिएगा और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके चार्ल्स लॉ को न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिएगा। अब आपका बॉयज लॉ कंप्लीट हो गया, चार्ल्स लॉ कंप्लीट हो गया, चार्ल्स लॉ का बेस न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब आपका जो चलेगा अवोगाड्रो लॉ है, ऑन द बेसिस ऑफ थ्री लॉ, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ, वी फाइंड आउट द रियल गैस इक्वेशन। हम क्या करेंगे, रियल आइडियल गैस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रूफ करना सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।